नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय ओम बिरला जी कोटा के दौरे पर हैं। चुनाव जीतने के बाद वो अपने कैंप कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है उनके स्वागत के लिए। वहीं कहीं ना कहीं जो जनसुनवाई चल रही है, उस जनसुनवाई में जहां लोगों की पीड़ा है वो सुनेंगे और उनको हल करेंगे। लगातार ओम बिरला जी द्वारा जो लोग हैं, आसपास के ग्रामीण एरिया के लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार ओम बिरला जी के संपर्क में रहते हैं और वो जब भी कोटा आते हैं वो उनसे मुलाकात करते हैं और जो भी उनकी समस्या रहती है उसको वो पूरा करते हैं। तो जिस प्रकार से ओम बिरला जी अपने क्षेत्र में आ जाएं और अलग अलग जगह के दौरे करेंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की जो समस्या है उनको सुनकर वो हल करेंगे। तो आप हमारे जो कैंप कार्यालय है ओम बिरला जी का, वहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर लोग हैं और लोगों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं ओम बिरला जी से। वो ओम बिरला जी से यहाँ पर मिलने आए हुए हैं और उनकी जो समस्या है उनके लिए वो ओम बिरला जी से मिल रहे हैं। वहीं ओम बिरला जी से जहाँ तक हमने बात करी है, तो ओम बिरला जी से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से सबसे बड़ी प्राथमिकता कोटा शहर में एयरपोर्ट की थी, एयरपोर्ट की समस्या को लेकर ओम बिरला जी ने कहा है कि उसके प्रयास चल रहे हैं और जल्द से जल्द कोटा को एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरा परिवार है, परिवार में जब भी मैं समय मिलता आता हूँ, परिवारजनों से मिलता हूँ और परिवार के साथ मिलकर इस तरीके से कोटा बूंदी को क्षेत्र को विकास आधारभूत ढांचे से बेहतर किया जाए उसके लिए सबके मिलकर सहयोग की बात करें। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से भारत को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू। वैसे कोटा एयरपोर्ट के बारे में, कोटा का एयरपोर्ट का काम चल रहा है, कोटा एयरपोर्ट अब निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि राज्य और केंद्र की सरकार दोनों भाजपा जनता। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।